अगर आप जानना चाहते हैं कि मे मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी कैसे छोटी छोटी सी चीजों का ख्याल रख के आप मे मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि मे 2023 में आपकी लव लाइफ़ कैसी रहेगी मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मे मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं जेमनीज़ और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं दो फिनिक्स एंड एट ऑफ वानस और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे अगर कुछ भी इश्यूज मसले आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहे थे तो कहीं मे स्टार्टिंग में आप उन्हीं इश्यूज उन्हीं मसलों को रिजॉल्व करके सॉल्व करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं और देखिए पीछे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अब वो लव यू नो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं उतने एक सेंटिमेंट्स पार्टनर के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं तो कहीं कुछ टाइम से या मे स्टार्टिंग में आपकी वो फीलिंग्स आपका वो लव फिर से जागता हुआ दिख रहा है और कहीं अपनी तरफ से आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए कुछ जमनीज के लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से मिलने के लिए या फिर अगेन मैं कहूँगी इन जनरल ही कैसे एक ग्रोथ इस रिलेशनशिप में आए कैसे एक प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में हो कैसे चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाएं कुछ टाइम से हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रह सकता है और फिर से मैं कहूँगी आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर यू नो इन जनरल ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं थोड़े से इम्पलसिव आप रह सकते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी भी मे स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को लेकर आप करते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं देखिए मिड मे में आप एकदम से एक पॉज ले रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं लिटरली कुछ जमनीज़ के लिए हो सकता है कि आपके मन में ऐसा चल सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है आपको यू you नो know, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर आपको कोई और डायरेक्शन लेनी चाहिए तो देखिए आप अपने आप को जमनीज़ क्रॉस रोड्स पर भी पा सकते हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप क्या आगे डायरेक्शन लें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें और इसी के बारे में अगेन सोचते हुए भी दिख रहे हैं और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि पीछे जो भी इवेंट्स जो भी इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुए आप उन पे फोकस कर रहे हैं उनको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए होता है ना हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं हमने पीछे क्या किया जिससे हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला क्या हमसे गलती हुई जिसकी वजह से हम परेशान हुए और फ्यूचर में हम वो गलती ना दोहराएं हम उन्हीं चीज़ों को करें जिनसे हमें पीछे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रह सकती हैं हालांकि देखिए आपने पॉज लिया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे लव का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत एक लव बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं अगेन इसके बावजूद कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं आपने थोड़ा सा पॉज लिया है देखिए पैशन का कार्ड भी बहुत एक एंथुजियाज़म बहुत एक एक्साइटमेंट बहुत एक पैशनेट एनर्जीज की बात करता है जो कि जेमिनीज आप मन ही मन अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन मिड में से लेकर एंड में तक उतना यू नो एक्शन इनिशिएटिव सरफेस लेवल पे आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं अगेन देखिए मिड में तो बिल्कुल आपने पॉज लिया हुआ है और एंड मे में डीपर लेवल के लिए यानी कि मन ही मन जितना भी एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करें लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं जिन भी जैमिनीज़ को डिसीजन और चॉइस लेनी है वो लॉजिकली डिसीजन और चॉइस लेते हुए दिख रहे हैं यानी कि माइंड की, की ज़्यादा सुन रहे हैं कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशनस भी हो सकता है जैमिनी आप इस रिलेशनशिप के लिए बना रहे हैं है तो नटशेल में देखिए बहुत राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लॉजिक के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं या फिर चीजों को डील कर रहे हैं और अब देखते हैं जेमिनीस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वोंट्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा यू you नो know, एक इनसिक्योर या फिर एक फियर वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे एक थकावट भी वो महसूस कर रहे हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि भाई हमने इतना एफर्ट किया इतनी मेहनत करी फिर भी वो एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला वैसे चीज़ें नहीं रहीं और अब थक गए हैं अब और इनिशिएटिव या फिर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ जमिनीज़ आपके पार्टनर की रह रही हैं एंड आई अंडरस्टैंड जेमनी आप अपने नजरिए से अगर देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इतना तो उन्होंने एफर्ट नहीं लिया बट अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने अपनी तरफ से या फिर जितना ले सकते थे उससे ज़्यादा एफ़र्ट इस रिलेशनशिप के लिए करा और कहीं आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला और इसी वजह से या फिर देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है एक थकावट महसूस कर रहे हैं एक फियर इनसेक्योरिटी महसूस कर रहे हैं जहाँ पर उनको लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई और हिम्मत नहीं है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की और देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो कहीं डीपर लेवल के लिए कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड कहता है कि वो खुद को ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई आपका और उनका कनेक्शन कार्मिक है क्योंकि वो आपको प्यार करना नहीं छोड़ पा रहे हैं जितनी भी कोशिश करें उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं ख़त्म हो रहा है और कहीं वो आपको लटगो भी नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को भी खत्म करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अगेन देखिए बहुत एक टक सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं फिर से मैं कहूँगी ना तो आपको लव करना वो कम कर पा रहे हैं और ना ही आपको छोड़कर वो आगे बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए कॉफ़िन एंड जजमेंट रिवर्स के कार्ड्स भी सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं कि बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कुछ डिसीजन कुछ चॉइसेस लेना चाह रहे हैं लेकिन कहीं वो डिसीजन वो चॉइस भी नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पे देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स इन हेल्दी चॉइसेस का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करता है कि कोई डिसीजन लेना है कोई चॉइस लेनी है और बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में रह रहे हैं एक मन उनका कुछ और कहता है एक मन कुछ और कहता है और यहाँ पर देखिए दो लोग भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं यानी कि जेमिनीज आप हो गए उनका यू you नो know, प्रोफेशन हो गया या फिर देखिए उनकी लाइफ में कोई और इंसान है उनके फ्रेंड्स हो गए सोशल सर्कल हो गया आ, उनकी फैमिली हो गई तो यहाँ पे देखिए जेमनीज़ ऐप और कोई और चीज़ भी हो सकती है जिसमें एक बैलेंस वो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको चूज़ करना है और उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है और उनकी काफ़ी एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह है सकती हैं कभी वो एकदम से रिलेशनशिप में आ जाएंगे कभी थोड़ा सा वो बैक सीट लेंगे डीपर लेवल के लिए हेल्दी चॉइसिस का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो जो भी डिसीजन लें जो भी चॉइस लें वो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए उनके लिए हेल्दी हो यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सेंटिमेंटल होके वो डिसीजन और चॉइसेस नहीं लेना चाह रहे हैं वो डिसीजन और चॉइस को लेकर बहुत कॉशियस बहुत कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हैं अगेन देखिए हेल्दी चॉइसेस वो लेना चाह रहे हैं यानी कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हों वो आगे जाके परेशान हों और अब देखते हैं जर्मनीज़ की मे मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए मे स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है यहाँ पर सडक्शन और टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही है अपने अपने लेवल पे यानी कि जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से इंटरैक्शन होते हुए दिख रहे हैं बातचीत होती हुई दिख रही है आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और अगर देखिए ये कमिटेड रिलेशनशिप है तो हो सकता है शादी मैरिज एंगेजमेंट इन की भी बात आप लोग एक दूसरे से कर रहे हैं और अगर अभी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो डेट करने की आप लोग सोच रहे हैं या डेट कर रहे हैं तो देखिए अगेन मैं कहूँगी जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से चीज़ें बहुत यू you नो know, अच्छी रहती हुई दिख रही हैं बहुत जबरदस्त एक अट्रैक्शन रहता हुआ दिख रहा है लव केयर म्यूचुअल रहती हुई दिख रही है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए मिड मे के लिए यहाँ पे सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस एक जॉय तो है लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है जो भी चाह रहे हैं उसको पा तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ डिलेज रहते हुए दिख रहे हैं या फिर एक हंड्रेड परसेंट सक्सेस या पूरी तरीके से वो एक सैटिस्फेक्शन नहीं रह रही है अगेन वो हैप्पीनेस जॉय नहीं रह रही है सम जेमिनीज़ और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे लेकिन यहाँ पे सन रिवर्स के नीचे नॉट इनफ काट कहता है कि जो भी हो रहा है मिल रहा है जेमिनीज़ आपको या आपके पार्टनर को लग सकता है कि भाई ये इनफ नहीं है ये सफिशेंट नहीं है और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी सर्फेस लेवल पे ज़रूर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ या फिर पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन मन ही मन एक फ्रस्टेशन एक इरिटेशन महसूस कर सकते हैं जो कि अगेन मिड मे में यू नो सरफेस लेवल के लिए या फिर एक्सटर्नली नहीं विजिबल होगी वो सिर्फ़ मन ही मन या अंदर में रहती हुई दिख रही है फ्रस्ट्रेशन इरीटेशन लेकिन एंड मे के लिए यहाँ पर फोर ऑफ़ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इमोशनली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लो फील कर सकते हैं थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं और जो भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं उनको भी इंजॉय नहीं उस तरीके से कर पा रहे हैं लैक ऑफ मोटिवेशन लैक ऑफ एंथुजम लैक ऑफ एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है यानी कि अगेन एक्साइटमेंट एंथुजाजम मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है और डीपर लेवल के लिए कॉफी कप का कहता है you know, लेवल पे जो भी हो मन ही मन ही ही आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं ज्यादा मिलना चाह रहे हैं बातचीत करना चाह रहे हैं दिल की बातें शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन उसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं लेते हुए दिख रहे हैं या फिर मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए मई 2023 की लव टारो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें